बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 7 अप्रैल 2020 को आपको पिछले 24 घंटों की कोरोना की जो सिचुएशन है सूबे सिंध में, उससे आगाह करने के लिए आया हूं। आज से 24 घंटे पहले तक जब मैंने पिछली ये ब्रीफिंग दी थी, उस वक्त तक 9589 टेस्ट हम कर चुके थे। पिछले 24 घंटों में हमने 634 यानी 634 टेस्ट और किए। टोटल टेस्ट हमारे 10,223 हो गए। कल तक जो 24 घंटे पहले मैंने आपको बताया था, 932 केसेस पॉजिटिव थे। पिछले 24 घंटों में 54 यानी 54 केसेस और पॉजिटिव आए हैं, और इस तरीके से टोटल सिंध के अंदर कोरोना पॉजिटिव केसेस 986 हो गए हैं। कल तक मैंने आपको बताया था कि 253 लोग इस बीमारी से रिकवर कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 16 और लोगों ने रिकवर किया, और इस वक्त वो तादाद 269 है जो रिकवर कर चुके हैं। एक बुरी खबर ये है कि एक डेथ इन पिछले 24 घंटे में हुई है, और इस तरीके से टोटल डेथ्स जो हमारी हैं कोरोना वायरस में वो 18 हो गई हैं। इस वक्त हमारे पास 396 पेशेंट होम आइसोलेशन में है, और मैंने आपको बताया था कि इस होम आइसोलेशन में इनको रोज़ाना एक डॉक्टर टेलीफोन के ज़रिए चेक करता है। जो गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स हैं उसमें 97 लोग हैं, और अस्पतालों में 206 लोग हैं, जिसमें प्राइवेट अस्पताल भी शामिल है और सरकारी अस्पताल भी शामिल है। हम अपनी अस्पतालों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोशा हैं। हम डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मैंने कहा था, के सेटअप कर रहे हैं आइसोलेशन सेंटर्स और क्रिटिकल केयर यूनिट्स, और फिर आईसीयू यूनिट्स टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में, इस पे काम जारी है। मकसद सारा यही है कि हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकें। मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले 24 घंटों में एक डेथ हुई थी, ये डेथ डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो, जो कि इस कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए अपने खदमत अंजाम दे रहे थे, उनकी डेथ हुई है। डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम सारे डॉक्टर्स को, ख़ास तौर पे वो डॉक्टर्स जो इस फ्रंट लाइन पे इस वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, पेशेंट्स की तैमारदारी कर रहे हैं, उनको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दें। डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो के बारे में मैं आपको बता दूँ कि 28 मार्च को इन्हें ये टेस्ट पॉजिटिव आया था, 31 मार्च को हॉस्पिटलाइज हुए थे, और 6 अप्रैल 2020 को डॉक्टर साहब की डेथ हो गई। मैं डॉक्टर अब्दुल कादिर सुमरो और उनके साथ साथ जो भी हमारे फ्रंटलाइन डॉक्टर्स हैं जो इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं, जो हमारे सिपाही हैं, मैं उन सबको सल्यूट करता हूँ। आपको ज़रूरी है कि इन डॉक्टर्स के बचाव के लिए, आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए और अपने प्यारों की सेफ्टी के लिए घर पे रहें। सोशल डिस्टेंसिंग या इवन जो हम कह रहे हैं कि जिस्मानी दूरी रखें, किसी भी तरीके से कोशिश करें घर के अंदर भी रहें तो आप अपने प्यारों से, अपने घर वालों से दूर रहें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग हैं, ज़यीफ़ हैं, या जिनको ये कोई और बीमारी है, जैसे कि डायबिटिक, कोई कार्डियक पेशेंट है, एस्थमेटिक है, या कोई लंग डिजीज़ है, ख़ास तौर पे उनको इस बीमारी से हमें बचाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिंध के लोग, पाकिस्तान के लोग हुकूमत का साथ देंगे ताकि इस बीमारी पे काबू पाया जा सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।